sausage. Essie mystery. Essa puka. Essa rap. Jisse dekh kar aapka श्रावस्ती जनपद में 50 किलो अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। आपको बता दें पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकौना का है, जहां पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके पास 50 किलो अवैध गांजा भी बरामद हुआ। आपको बताते चले कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद कार जिसमें कुछ संदिग्ध वस्तु लाई जा रही है जो इकौना थाना क्षेत्र से गुजरने वाली है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा तत्काल क्राइम ब्रांच व थाना इकौना की पुलिस को लगाया गया था। तत्काल पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। मुखबिर के द्वारा बताए गए हुलिया के अनुसार आती हुई गाड़ी को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। वहीं दूसरी ओर श्रावस्ती जनपद की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। पुलिस की सक्रियता से वीरपुर के पास गाड़ी को छोड़कर गाड़ी में सवार अभियुक्तों ने गन्ने के खेत में भाग गए। पुलिस के द्वारा काबिंग की गई। इस दौरान एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी की तलाशी ली तो लगभग 50 किलो अवैध गांजा भी बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आज मुखबिर की सूचना पर इकौना थाना क्षेत्र में थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम जो है चेकिंग कर रही थी, और ये अंदेशा था कि एक मादक पदार्थ से संबंधित हुई गाड़ी इस क्षेत्र से गुजरने वाली है। संदिग्ध गाड़ी जब उस क्षेत्र से गुजरी तो उसको रोकने का प्रयास किया गया और उसने रुकने की बजाय अपनी रफ्तार और तेज कर दी, और गाड़ी का पीछा किया गया तो करीब कुछ दूर जाकर वीरपुर के चौराहे के पास में ये गाड़ी नाबालिग हालत में खड़ी मिली, और जो गाड़ी चालक थे जो इसमें सवार थे वो फरार हो चुके थे। पास ही गन्ने का खेत था, वहाँ पर जो है उसमें काउंटिंग की गई तो उसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पंकज है, जो कि प्रयागपुर बहराइच का रहने वाला है। जो गाड़ी बरामद हुई है वो सफ़ेद रंग की ब्रेजा गाड़ी UP 32 लखनऊ नंबर की ये गाड़ी है। गाड़ी की जब तलाशी दी गई तो इसमें करीब 50 किलोग्राम के पास लगभग गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त से अभी पूछताछ की जा रही है और उसके साथियों के बारे में पता किया जा रहा है, और साथ ही साथ सुसंगत धाराओं में इसमें इकौना थाना क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत करके अपराधियों के खिलाफ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।